टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनावों के लिए एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच घमासान शुरू हो गया है। इस बार उन्नाव सीट से रामचंद्र प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है, जहां इस सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब बारी एमएलसी चुनाव की है। वहीं आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव का नामांकन खत्म हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो एमएलसी चुनाव को लेकर जो सभी प्रत्याशी जो जिनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे बात करें समाजवादी पार्टी की चाहे भाजपा की, तो सभी पार्टी जिन्हें टिकट देकर और क्षेत्र में भेजा गया है वो क्षेत्र में जा रहे हैं और बीडीसी क्षेत्र पंचायत साथ ही साथ प्रधान और सभासदों से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में हम मौजूद हैं रामचंद्र प्रधान, जो कि भाजपा से एमएलसी प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनकी सभा में। ये सभा ग्राम काकरी पोस्ट पटना पाटन में रखा गया है और यहाँ तमाम बीडीसी सभासद जिला पंचायत सदस्य समेत ब्लॉक प्रमुख भी हमारे मौजूद हैं यहाँ पे, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शीर्ष नेतृत्व द्वारा यहाँ से विधान परिषद सदस्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय रामचंद्र जी को शीर्ष नेतृत्व ने घोषित किया है। हम सब लोग एक साथ मिलकर सुमेरपुर ब्लॉक से उनका भारी समर्थन दे रहे हैं। प्रमुख जी, अगर बात की जाए तो लगभग 162 यहाँ पे वोटर्स हैं, तो क्या लग रहा है, आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं जा रहे हैं, तो कैसा अभी माहौल देखने को मिल रहा है रामचंद्र प्रधान जी के पक्ष में? निश्चित रूप से लगभग 75 प्रधान हैं, 76 बीडीसी हैं और 11 यहाँ सभासद हैं, कुल मिलाकर 162 वोट। निश्चित हम सबका प्रयास रहेगा कि लगभग संख्या यहाँ मतलब विपक्षियों की जमानत जब्त हो, सुमेरपुर ब्लॉक का ऐसा लक्ष्य रहे। जी, आप अपना नाम बता दें। मुन्ना सिंह। किस ग्राम से आते हैं? अलावलपुर मंडप। अच्छा, अलावलपुर से। आपसे भी आप भी यहाँ समर्थन देने आए हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि आप उन्हें समर्थन दे रहे हैं? समर्थन ये पूर्व एमएलसी भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, राजनेता हैं तो, और भाजपा से घोषित प्रत्याशी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के अनुसार उनको समर्थन दिया जा रहा है। अच्छा, ये पिछड़ा आयोग में एक अहम पद पे ये हैं और साथ ही साथ छात्र जीवन की राजनीति भी किए हैं, तो क्या इनके बारे में कुछ बताएं हमें? नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है कि वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता है, इसमें पहले मंत्री भी रह चुके हैं। निश्चित रूप जैसा अभी हमारे साथी ने बताया कि लखनऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस विषय में ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है कि अभी राजनीति में कम उम्र है, बिल्कुल वरिष्ठता में कोई उनके संशय नहीं है। शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी सूझबूझ के साथ उनको प्रत्याशी बनाया है, ऐसे नहीं। आप अपना नाम बताएं और अपने पद, क्या पद है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर यद कुंवर सिंह, प्रधान हूँ कोटवर का, सुमेरपुर ब्लॉक के अंतर्गत। रामचंद्र प्रधान जो है ये एक इस्टेब्लिश लीडर है, लखनऊ विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन में भी ये पदाधिकारी रहे, मैं भी रहा लखनऊ विश्वविद्यालय में, लेकिन उस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय छोड़ रहे थे। ये यहाँ पर जो है जनरल सेक्रेटरी का चुनाव जीते और उसके बाद ये जिला पंचायत में भी रहे, एमएलसी भी रहे, तो ये पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्थित, जैसे छात्र राजनीति में बड़े बड़े आंदोलन खड़े किए इन्होंने और उसी तरह से जनमत की का पूरा इनका स्वागत है और पूरी तरह से सब लोग, पूरा ब्लॉक, योगेश वाजपेयी जी ब्लॉक प्रमुख, मुन्ना सिंह मंडपाहा जी हैं, बैनाथ जी हैं, सब लोग साथ मिलके जो है इनको भारी मतों से जिताने की पूरी कोशिश होगी। अच्छा, हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के 5 छात्र पुरातत्व छात्रों को मंत्रिमंडल में रखा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब लखनऊ विश्वविद्यालय के खुद, हाँ, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे, 77 में लखनऊ विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन सेक्रेटरी रहे, तो जो छात्र नेताओं को, छात्र और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देना चाहिए और राजनीति में उनकी सहभागिता सुनिश्चित होना चाहिए, ये हर दल को जो है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि स्टूडेंट लीडर को नौजवानों को कम प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन प्रतिनिधित्व उनको काफ़ी मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। जी, आप अपना नाम बताओ। इरन बहादुर सिंह, ग्राम प्रधान है ककरारी के। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें हैं कि रामचंद्र प्रधान जी के अंदर में कि आप इतने संख्या में यहाँ समर्थन देने आए हैं, और अगर बात करें तो सामने सुनील सिंह साजन हैं, तो कैसा मुकाबला देखें? भाई देखिए, हम मुकाबला तो एक तरफा है, चुनाव एक तरफा है, हम योगी जी मोदी जी के सिद्धांतों, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं, हम लोग मिल करके सीधे प्रधान जी के साथ एक तरफा, कहीं मुकाबला है ही नहीं, एक तरफा चुनाव है मेरे तरफ, ये पोजीशन, इसलिए हम चाह रहे हैं। आप अपना नाम बताएं और पद बताएं। बैजनाथ सिंह, प्रबंधक
अमर शहीद राव राम सिंह महाविद्यालय घौरा, हमारी पत्नी ग्राम प्रधान है बीना सिंह। अच्छा, आप प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें दिखी आपको और आप जो जिन नेताओं को आप समर्थन दे रहे हैं उनके बारे में बताएं और समर्थन की वजह बताएं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इनको कैंडिडेट बनाया गया है, नंबर एक। नंबर दो, पूर्व से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सरकार 5 वर्ष काम किया, गरीबों का, दलितों का, शोषितों को, सबको एक साथ चलने का काम किया, उसी का रिजल्ट आया कि पूर्ण प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से हम देख कर समर्थन कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और भाई रामचंद्र जी जुझारू कैंडिडेट रहे हैं, उनका छात्र जीवन भी रहा है, राजनीतिक जीवन भी रहा है, इसलिए हम सभी लोग इकट्ठा होकर ब्लॉक प्रमुख योगेश वाजपेयी जी जैसा कहे हैं, मुन्ना सिंह जी कहे हैं, हमारे छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय पूर्व डॉक्टर कुंवर सिंह जी ने यहाँ बताया आपको, तो हम लोग इस ब्लॉक से भारी समर्थन के साथ और ये विकासखंड सुमेरपुर खासकर भगवंतगढ़ विधानसभा हमेशा उन्नाव जनपद में विधान परिषद के चुनाव में नंबर एक स्थान रहा है, यहाँ लगभग 99% लोग रामचंद्र जी के समर्थन में। अच्छा, आप सब उनके समर्थक हैं, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो आगे की क्या तैयारी हो, क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में आप लोग कुछ ऐसा मांग रखेंगे? अब हम लोगों को कोई ये हैजत तो नहीं, वहाँ से ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है और हम चाहेंगे कि हमारी क्षेत्र की भागीदारी बने। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ 6 MLA हुए हैं उन्नाव जनपद से, यहाँ सांसद भी माननीय साक्षी महाराज जी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि जनपद उन्नाव का कोई अभी जो है शासन में उत्तर प्रदेश या देश के शासन में भागीदारी नहीं है। तो हम लोगों की मांग है कि प्रदेश नेतृत्व, देश का नेतृत्व ध्यान दें, उन्नाव का जो है भागीदारी बढ़ावे, उन्नाव का विकास हो। उन्नाव ऐसे बहुत पिछड़ा है, 2 महानगरों के बीच में बसा हुआ है, उन्नाव का भी विकास बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत बड़ा जनपद है उन्नाव, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी विधानसभा भगवंत नगर और उन्नाव की लोकसभा सबसे बड़ी है। तो हम चाहते हैं यहाँ ज़्यादा भागीदारी बने, श्री रामचंद्र भी शासन में मंत्री बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। प्रमुख जी, अगर बात करें तो मूल रूप से 2 पार्टियां इस बार MLC चुनाव में है, भाजपा और सपा, वहीं अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव में धांधली की जा रही है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये माननीय अखिलेश यादव जी की पुरानी परंपरा रही, पिछली बार भी उन्होंने EVM पर आरोप लगाया था। निश्चित रूप से जनहित, पूरे देश में जो जनादेश आया है स्पष्ट रूप से, इसमें कोई संशय की बात तो है नहीं, न कहने की बात है। अब वो उनकी खीज है, अब वो उनका तरीका अपना अपनी बात करने का, इस विषय में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है, विपक्ष की हमेशा रही है। इसके पहले भी प्रचंड बहुमत आया माननीय मोदी जी के चुनाव में, उसमें भी प्रचंड बहुमत रहा, सारे दल एकजुट हो गए थे, तो इस विषय में क्या कहा जा सकता है, तो स्पष्ट है स्थिति है। बात की जाए समर्थन की तो यहाँ अच्छा खासा संख्या देखने को मिल रहा है, तो अगर बात की तो कितनी संख्या में यहाँ प्रधान, सभासद, क्षेत्र पंचायत ये सब लोग मौजूद है? लगभग 135 की संख्या आ चुकी है। तो 162 में से 150 लोग का समर्थन आपके मुताबिक? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से है आपके सामने, प्रामाणिक बात है, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बताएं? मेरा सुधीर शर्मा नाम है, मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं, मैं प्रतिनिधि पनई बुजुर्ग के प्रधान रहे पहले, लेकिन इस समय सुमेरपुर दौतीही से मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, रामचंद्र प्रधान जी को आप समर्थन देने आए हैं, ऐसी क्या वजह है आप अपने नेता को समर्थन दे रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताएं? समर्थन की बात अगर की जाए, अगर दो दर्जन में समर्थन माना जाए तो समर्थन माना जाए, जहाँ एक पक्षी चुनाव है कोई समर्थन है ही नहीं, एक पक्षी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई चुनाव नहीं है, ना कोई लीड है, एक पक्षी चुनाव है, यहाँ कोई चुनाव में है नहीं, उनके मुकाबले में कोई चुनाव में है नहीं, ये लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से लहर चल रही और भारतीय जनता पार्टी के लिए ना कोई जातिवाद रह गया है, ना कोई ऊंचा रह गया, ना पीछा रह गया, कोई भी किसी प्रकार का नहीं रह गया है, एक पक्षी चुनाव है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम ककारी के ककवारी में, जहां देख सकते हैं आपकी अच्छा खासा संख्या में जो 162 वोटर है यहां पे MLC चुनाव को लेकर, जिसमें सभासद, प्रधान और आपके जिला पंचायत सदस्य समेत ग्राम प्रधान भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहां ठीक ठाक संख्या में, जहां अभी प्रमुख जी ने बताया कि लगभग 150 लोगों की आने की आशंका है और साथ ही साथ लगभग यहाँ सैकड़ों से ऊपर लोग मौजूद हैं, वहीं हम इस क्रम में कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और पद बताएं, कहां से? ग्राम प्रधान मनिकापुर, माजिद हुसैन। माजिद जी, अच्छा ये बताइए, आप रामचंद्र प्रधान जी को समर्थन यहां देने आए हैं,
और कहा जाता है कि अल्पसंख्यक भाजपा से बचता है, इस पे आप क्या कहेंगे? कहने के लिए और करने के लिए बहुत अंतर होता है। कहने जो सख्त जो सरकार दे रही है, क्या वो हमारे यहाँ हम लोग या हमारे समाज के लोग नहीं खा रहे हैं, बराबर नहीं ले रहे हैं? ये सोच अलग है, नज़रिया अलग है, देखने का अंदाज अलग है, पर हमारा जो अंदाज है वो सही है। हम रामचंद्र भाई को भारी मतों से कोशिश करेंगे कि अपने ब्लॉक से सब लोग मिल के विजयी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब लोग एक होकर के उनको लखनऊ में MLC बनाएं। अच्छा, आप क्षेत्र में भी घूम रहे होंगे, उनके समर्थन में वोट भी मांग रहे होंगे, तो कैसा देख रहे हैं, माहौल क्या है? बेहतर है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा है। हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि युवा चेहरा 32 साल का दानिश आजाद अंसारी, जो कि गाजीपुर से चुनाव जीत के उन्हें अल्पसंख्यक मंत्री बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा यह गया है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में आकर बिना जाति धर्म देखे सबको मिल रही है, आप इस पे क्या कहेंगे? हाँ, मिल रही, बराबर मिल रही, इसमें कोई शक नहीं, बराबर मिल रही, मुझे खुशी है इस बात की, इसीलिए हम भी साथ में हैं और साथ में रहेंगे, क्योंकि जहाँ हम सब लोग हैं वहाँ हम हैं। हमें खुशी इस बात की है कि भाई जो चीज़ मिल रही है, जो योजना आ रही है, सबको बराबर मिल रहा है ना। जब सबको मिल रहा है तो फिर हमको भी तो मिल रहा है, जो राशन आज हम खा रहे हैं वही राशन दूसरे को तो मिले, तो इसमें कम ज़्यादा कहाँ है, भेदभाव कहाँ है? तो मतलब जो केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं वो आपके भी क्षेत्र में सुचारू ढंग से चल रही है? बहुत बेहतर चल रही है, इसमें कोई शक नहीं। आवास योजना का क्या हाल है? और यहाँ इज्जत घर की बात की गई थी, साथ ही साथ उज्ज्वला योजना की बात की गई थी, वो क्या सही ढंग से पहुँच पा रही है? हाँ हाँ, बराबर, निष्पक्ष तरीके से बांटा जा रहा, बराबर बराबर मिल रही, इसमें कोई शक। आप अपना नाम बताएं। अनिल सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य, मनिकापुर। आप रामचंद्र प्रधान जी को समर्थन याद? रामचंद्र प्रधान जी को हम लोग भारी महत्व से जिताएंगे, उन्हीं के समर्थन में आए हुए हैं। ऐसी कुछ चीज़ें बताएं रामचंद्र प्रधान जी के बारे में कि उस पर आप समर्थन देने आए हैं, कैसे नेता हैं ये? अच्छे नेता हैं ये, लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, अच्छी राजनीति करते हैं। अब हम लोगों का तो पहले परिचय भी परिचय होगा, उसके बाद ही जानेंगे कैसे हैं, क्या यहाँ आए हैं, जिताएंगे हम लोग इनको। जी, तो आप देख सकते हैं कि हर एक तबके के लोग यहाँ आए हुए हैं और उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आप अपना नाम? मैं इकबाल सिंह, ग्राम प्रधान रामनेर। उन्नाव जनपद ने क्लीन स्वीप किया, इसे भी बीजेपी के पक्ष में, तो ये दाग तो लगने ही नहीं पाएगा, भारी बहुमत से विजयी बनाया जाए। सुमेरपुर ब्लॉक से नेतृत्व तो पहले भी किया है विधानसभा चुनाव में हमारे प्रमुख जी ने, और ये भी नेतृत्व तो कर रहे हैं, तो इसमें तो निश्चित 100%, चूँकि प्रधान ऑलरेडी जुड़ा रहता है, BDC भी जुड़ा है, BDC के प्रमुख हैं, प्रधान के भी प्रमुख हैं, तो 100% यहाँ तो जमानतें जब्त तो होगी दूसरे पक्ष की, ये तो क्लियर है यहाँ पे। और कहा जा रहा है कि सुनील सिंह साजन से टफ फाइट है, मगर यहाँ आकर देखने को मिल रहा है कि सैकड़ों से ऊपर उनके जो वोटर हैं, जो 162 वोटरों की बात हो रही है, तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में है, आपको क्या लगता है? ये जनता कह रही होगी, जो वोटर है वो नहीं कह रहा, वोटर नहीं कह रहा, जनता कह रही, हवा अब चल रही होगी, वो हवा लगाई जाती है वो अलग बात है, लेकिन वोटर जो है बिल्कुल अपना कंसेप्ट तय कर लिया है कि ये दाग उन्नाव जनपद को नहीं लगना चाहिए, जो पूरी क्लीन स्वीप है। अगर ये विधान परिषद की सीट अगर खुदा न खास्ता हार जाए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, तो वो तो संभव ही नहीं है। अब हवा चल रही वो अलग की बात हो गई। अच्छा, इस भीड़ को देख के क्या कहेंगे आप? ये भीड़ सब वोटर की है, ये भीड़ वोटर की है, कोई इकट्ठा नहीं की गई है, ना कोई पैसे ला के इकट्ठा की गई, ये सारा वोटर है। और प्रधान एक जिम्मेदार पद है, क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य एक जिम्मेदार पद है, वो ऐसे तो आते नहीं, निश्चित रूप से उनकी भावनाएं अच्छी होंगी तब वो इकट्ठे हुए। हम कुछ युवाओं से भी बात करेंगे जो युवा प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, आप बताएं, आप अपना नाम बताएं। पंकज सिंह प्रधान, वाजिदपुर। अच्छा, अपना समर्थन देने आए हैं, क्या कहेंगे रामचंद्र प्रधान जी के लिए? रामचंद्र प्रधान जी बहुत ही अच्छे नेक कर्मठ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े पहले से ही रहे हैं, और जैसा हम सबों को सब लोगों को विश्वास है कि वो हमारे समाज को और पूरे समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में और विकास कार्य के बारे में हम सभी के भागीदार बनेंगे। क्या जो आप लोग का चीज़ें होंगी, जो समस्याएं होंगी, क्या उसे बेहतर ढंग से वो प्रतिनिधित्व दे पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि पिछले जो MLC थे माननीय सुनील साजन, वो बिल्कुल जनता के बीच में आए नहीं, और कहीं भी कोई भी काम उनका जनता के बीच में है नहीं, ना दिखता है, ना उन्होंने किया है। अब चुनाव के टाइम वो भागे भागे फिर रहे हैं,
लेकिन कहीं कोई उनका मकसद पूरा होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ हमारे योगेश वाजपेयी जी प्रमुख प्रतिनिधि के नेतृत्व में सुमेरपुर ब्लॉक से प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग उनके साथ रहेंगे और पूर्ण तरीके से पूर्ण बहुमत से यहाँ जिता के भेजेंगे। हमारे साथ एक और युवा हैं, आप अपना नाम बताएं। प्रिंसो सिंह। आप किस पद पे हैं? प्रधान है, प्रधान संघ अध्यक्ष सुमेरपुर ब्लॉक से। एज ए युवा आप क्या अपेक्षा रखेंगे रामचंद्र प्रधान से और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार? माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी खुद युवा हैं, हमारे प्रमुख जी जो हमारे आदर्श हैं, हमारे गार्जियन हैं, ये युवा हैं। जहाँ प्रमुख जी रहते हैं हम वहीं रहते हैं। चाचा हैं, बिना चाचा हैं, मुन्ना चाचा हैं, पप्पू चाचा हैं, बिना चाचा हैं, इकबाल चाचा हैं, जो पंकज भैया हैं, जुगल भैया हैं, सब लोग योगी हमारी टीम हैं। जहाँ टीम रहती है हम लोग वहीं रहते हैं। रामचंद्र प्रधान यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे, 99% यहाँ से उनको वोट मिलेगी। आप कन्वेंसिंग में निकल रहे होंगे, समर्थन मांग रहे होंगे, जो 162 वोटर है उन्हें जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही होगी और लगभग आप लोगों ने जुटाया होगा, वो नतीजों के बाद पता चलेगा। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल 100% पक्ष में, बीजेपी पक्ष में। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक युवा हैं, उन्होंने युवाओं के लिए अभी बैठक की है, तीन प्रमुख सचिव बैठे उसमें, युवाओं के लिए नौकरी रोजगार के लिए बात चल रही है। संभवतः आपकी बार जनसंख्या ज़्यादा यहाँ पर है यूपी में, फिर भी कहते हैं यहाँ की बार रोजगार अवसर मिलेगा युवाओं को। तो चुनाव की तिथि आ जाएगी और चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि मुकाबले में कौन जीता। कैमरामैन दीपक के साथ विभान, सुपर प्राइम टीवी लखनऊ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।